दोस्तों हिंदुस्तान का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसमें आपको दुनिया के सबसे शांतिप्रिय शासक भी मिलेंगे और दुनिया के सबसे खतरनाक शासक भी मिलेंगे। इस देश पर कई शासकों ने चढ़ाई की और कुछ इसे लूटकर फिर से अपने वतन चले गए तो कुछ इसको फतेह करके यहीं पर बस गए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं शासकों में से एक शासक की बात करेंगे जो आया तो हिंदुस्तान में अपना हक लेने था लेकिन बाद में उसने हिंदुस्तान को ही अपना वतन बना लिया और यहाँ के ताकतवर से ताकतवर राजा महाराजाओं को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के शहजादे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो पैदा तो हिंदुस्तान से 1800 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में हुआ था लेकिन जब वक्त का खेल शुरू हुआ तो उसकी किस्मत ने उसे हिंदुस्तान का रास्ता दिखाया। दोस्तों बाबर के शुरुआती दिनों की बात करें तो ये 14 फरवरी साल 1483 को उज़्बेकिस्तान के अंदिजान शहर में पैदा हुआ था, जो इलाका उस वक्त फरगाना घाटी के नाम से जाना जाता था। बाबर एक शाही खानदान का बेटा था क्योंकि इसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे ताकतवर शासकों का खून दौड़ रहा था और इसकी वजह ये थी कि बाबर अपने वालिद की ओर से अमीर तैमूर का तीसरा और वालिदा की ओर से चंगेज खान का पांचवा वंशज था और यही वजह है कि बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा को भी विरासत में फरगाना घाटी का इलाका मिला हुआ था जो बाद में बाबर के कंट्रोल में आया। साल 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा इस दुनिया से रुखसत हो गए और फिर उनका बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद 12 साल की उम्र में फरगाना का शासक बन गया। अब दोस्तों इतनी कम उम्र में अगर कोई शासक बनता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसका फायदा उठाते हैं और ऐसा ही हुआ बाबर के साथ। जब उसके वालिद की मौत के बाद वो शासक बना तो उसके चाचाओं ने उसे गद्दी से हटा दिया और बाबर को मजबूरन निर्वासन में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी, जहां उसके साथ बस कुछ किसान और उसके रिश्तेदार थे। लेकिन दोस्तों बाबर ने यहां पर हार नहीं मानी और इन साथियों के साथ ही उसने 1496 में उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर समरकंद पर हमला कर दिया और किस्मत से 7 महीनों की घेराबंदी के बाद उस शहर पर जीत भी हासिल कर ली। लेकिन जब बाबर समरकंद के अभियान पर था तब उसी के एक सैनिक ने फरगाना पर कब्जा कर लिया और सैनिक की इस हरकत पर बाबर फौरन फरगाना की ओर निकल पड़ा लेकिन उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया और कुछ इस तरह बाबर के हाथों से समरकंद और फरगाना दोनों निकल गए। अब दोस्तों इस हार के बाद भी बाबर ने हिम्मत नहीं हारी और 5 सालों के बाद एक बार फिर समरकंद पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार एक उज़्बेक शासक शेबानी खान ने समरकंद पर हमला कर बाबर से फिर से एक बार ये शहर छीन लिया और बाबर के लिए समरकंद सिर्फ एक ख्वाहिशों का शहर बनकर रह गया। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबर को समरकंद से पीछे खदेड़ने वाला ये शेबानी खान कौन था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम इस पर एक वीडियो जरूर बना देंगे। फिलहाल जब बाबर को शेबानी खान से शिकस्त मिली तो फिर उसे अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से फरार होना पड़ा और फिर इसके बाद बाबर ने अगले 3 सालों तक अपनी फौज को ताकतवर बनाने की ओर ध्यान दिया। बाबर ने साल 1503 में हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों को पार कर काबुल पर अपनी हुकूमत कायम की और कुछ इस तरह बाबर को एक नया साम्राज्य मिला। बाबर ने अपने पड़ोसी शासक हुसैन बेकरा से एक संधि की जिसमें उन दोनों ने मिलकर शेबानी खान के खिलाफ जंग करने का मंसूबा तैयार किया। हुसैन हेरात का शासक था और वो दूर के रिश्ते में भी बाबर का भाई था लेकिन इस संधि के कुछ वक्त बाद ही हुसैन बेकरा की मौत हो गई और फिर हेरात के इलाके पर भी बाबर का ही कब्जा हो गया। पर दोस्तों हेरात पर भी बाबर की हुकूमत ज्यादा वक्त तक नहीं रही और सिर्फ 2 महीनों के बाद ही उसको वहाँ से अपना कब्जा हटाना पड़ा। बाबर की किस्मत अभी भी इतनी मजबूत नहीं हुई थी क्योंकि काबुल लौटने के सिर्फ 2 साल बाद ही उसके खिलाफ बगावत छिड़ गई और बाबर इस बगावत को कुचलने में नाकामयाब रहा और उसे काबुल छोड़ना पड़ा लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों इसी बीच बाबर की जिंदगी में एंट्री हुई ईरान के शाह इस्माइल की, जो कि सफवी सल्तनत का बादशाह था और उस वक्त के सबसे ताकतवर शासकों में से एक था। शाह इस्माइल एक शिया मुसलमान था और वह अपने आप को शियाओं के सातवें इमाम मूसा अल काजिम का वंशज मानता था। शाह इस्माइल ने 1510 ईस्वी में बाबर के दुश्मन शेबानी खान को हरा कर उसको मौत के घाट उतार दिया और शेबानी की खोपड़ी बाबर को तोहफे के तौर पर भेज दी। इतना ही नहीं शाह इस्माइल ने बाबर को उसकी बहन खानजादे से भी मिलवाया, जो कि समरकंद की हार के बाद शेबानी खान के कब्जे में थी और वो उससे शादी करना चाहता था। बाबर और शाह इस्माइल के बीच एक दोस्ती का मजबूत रिश्ता बन चुका था और शाह इस्माइल के सपोर्ट से बाबर ने एक बार फिर हेरात पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब शाह इस्माइल ने बाबर पर इतने सारे एहसान किए तो बाबर को भी बदले में कुछ तो देना था, इसीलिए उसने खुद को और अपने साथियों को शाह इस्माइल के अधीन कर लिया। बाबर ने शाह इस्माइल को खुश करने के लिए शिया कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया और उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने लगा, हालांकि उसने शिया इस्लाम को कबूल नहीं किया और न ही ये उसका मकसद था। बाबर ने ईरान के शाह की मदद से बुखारा पर भी चढ़ाई की और फिर अक्टूबर 1511 को एक बार फिर समरकंद को जीता। दोस्तों इस बार जब बाबर समरकंद में दाखिल हुआ तो उसका लिबास शियाओं वाला था क्योंकि वो शाह इस्माइल को खुश रखना चाहता था, लेकिन उसका ये हुलिया उज़्बेक के सुन्नी मुसलमानों को पसंद नहीं आया और इसी वजह से एक बार फिर 8 महीनों के बाद ही बाबर फिर से समरकंद से हाथ धो बैठा और समरकंद पर उज़्बेकों का कब्जा हो गया। अब दोस्तों इतनी शिकस्त खाने के बाद तो बड़े से बड़े सुरमा भी ये कह देते कि अब बहुत हुआ, लेकिन वो बाबर था
था जिसने इतनी शिकस्त खाने पर भी ये अल्फाज कहे थे कि क्या हुआ जो हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं आ रहे। दोस्तों बाबर के इसी जुनून ने उसे फिर से तैयार किया और इस बार बाबर ने पश्चिमी इलाके को छोड़कर पूर्वी इलाके की ओर रुख किया और अब उसकी नजर हिंदुस्तान की ओर थी। कहा जाता है कि बाबर को हिंद पर हमला करने के लिए दौलत खान लोदी ने बुलाया था जो कि इब्राहिम लोदी का लाहौर का गवर्नर था और वो इब्राहिम लोदी के घमंड और कठोर मिजाज से नाराज था। इसी के साथ ही ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी दिल्ली पर कब्जा करने के लालच में बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। खैर दोस्तों वजह जो भी हो, बाबर भी यही चाहता था कि हिंदुस्तान पर अमीर तैमूर के वंशजों की हुकूमत कायम होनी चाहिए क्योंकि तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर भी फतेह हासिल की थी और इसीलिए बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक खत लिखा जिसमें उसने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने की इच्छा जताई, लेकिन इब्राहिम लोदी ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर छोटे मोटे हमले करना शुरू कर दिए। सबसे पहले बाबर ने कंधार पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन इसी बीच बाबर के सपोर्टर शाह इस्माइल उस्मानी सुल्तान से हार बैठे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस्मानियों ने शाह इस्माइल को हराने के लिए बारूदी हथियारों और तोपों का इस्तेमाल किया और इसी को ध्यान में रखते हुए बाबर ने भी अपनी फौज में बारूदों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाबर नामा के मुताबिक 21 अप्रैल 1526 को जहीरुद्दीन बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का युद्ध लड़ा जिसमें बाबर सिर्फ 12 से 25,000 सैनिक अपने साथ लाया था और उसके पास 24 मैदानी तोपें थी। वहीं पर इब्राहिम लोदी के पास 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की शाही फौज थी जिनमें 300 युद्ध हाथी भी शामिल थे। जंग शुरू होने से पहले ये कन्फर्म था कि बाबर को इस जंग में मुंह की खानी पड़ेगी और बाकी जंगों की तरह इस जंग में भी बाबर को ही शिकस्त मिलेगी। लेकिन दोस्तों बाबर की किस्मत तो लिखी हिंदुस्तान में थी क्योंकि जो बाबर समरकंद जैसा शहर पूरे तरीके से जीत नहीं पा रहा था, उस बाबर ने अपने से 4 गुना ताकतवर फौज को हराकर दिल्ली जैसे ताकतवर शहर पर अपना कब्जा जमा लिया और हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत को खत्म कर अपनी एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज भी अजीम मुगलिया सल्तनत के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान साबित हुआ जो जंगे मैदान में ही मारा गया हो और कुछ इस तरह हिंदुस्तान के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया और हिंद की तारीख में अब बाबर का नाम भी जोड़ा गया। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाबर के इतिहास के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत को कैसे फैलाया, कैसे उसने हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी के आखिरी 4 साल गुजारे और साथ ही बाबर ने अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे हुमायूं को क्या नसीहत दी थी और आखिर बाबर को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि उसने अयोध्या में अपने नाम की मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई। इंशाल्लाह इन सब सवालों के जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें।